हमारे साथ योगेंद्र यादव जी मौजूद हैं, प्रिंसिपल रह चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद जो है राजनीति की राह इन्होंने पकड़ी है, राजद के बहुत जो है कट्टर समर्थक माने जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज की जो मीटिंग हुई उसमें किस तरह की बातें सामने आई और चुनाव का काफ़ी कम समय बचा है, तो आप लोग अब कैसे आगे क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? आज की यह बैठक राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार शैलेश कुमार उपबूलो मंडल की जीत सुनिश्चित करने के लिए बुलाई गई है और तमाम कार्यकर्ता जो हैं हमारे राष्ट्रीय जनता दल के, उन लोगों को हम लोग जगाने का काम करेंगे, प्रोत्साहित करने का काम करेंगे कि यह हमारी जो यह प्रतिष्ठा है दल की, राष्ट्रीय जनता दल की, और हमारे नेता जो सामाजिक न्याय एवं धर्म निरपेक्षता व समाजवादी विचारधारा के महान जाकर समर्थक हैं, महान नेता हैं, तो उनकी जीत और उनकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, लालू यादव के हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग आज बैठक कर रहे हैं, किए हैं और आगे भी अपना काम करते रहेंगे। हमको वह दिन याद है कि एक समय था जो कि बलवान लोग, धनवान लोग, हम यह जाति पाति से उसको नहीं मान रहे हैं, जो बलवान लोग थे, धनवान लोग थे, वे लोग कहते थे कि अरे हम घोड़ा पर जात रहनी है तो तू उठले है ना कुर्सी पर से, आ खटिया पर से ना उठले है, तू बैठले रह गए है। तो वह एक वह काम, वह आज़ादी हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव ने किया कि हम लोगों को बोली दिया, किसको? दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों को आवाज़ दिया तो हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद यादव ने हमारे लोगों को बिहार नहीं हिंदुस्तान के पैमाने पर सामाजिक न्याय दिलाया और लालू यादव धर्म निरपेक्षता के कट्टर समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हमारे नेता लालू प्रसाद यादव। उन्हीं के पद चिन्हों पर, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हमारे कार्यकर्तागण जो असली हमारे सिपाही हमारे दल का काम कर रहे हैं। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये अच्छे दिन कहां चले गए? मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, अब नहीं बोल रहे हैं। उस समय तो नारा लगता था हर हर मोदी, घर घर मोदी, आज कहां चला गया अच्छे दिन का नारा नहीं बोलते हैं? कहा था कि विदेश से काला धन ला के 15-15 लाख हर एक व्यक्ति के खाता में जमा करेंगे, कहाँ चला गया वह? आपने, मोदी जी ने कहा था कि भारत में से बेरोजगारी दूर करेंगे, 2 करोड़ लोगों को 1 साल में रोजगार दे देंगे, कहाँ गया वह नारा रोजगारी देने का? ये जो रोजगार देने का, बाद में कहने लगे कि पकौड़ा बेचिए, तो पकौड़ा बेचने के लिए पूंजी? और जब 5 साल में 10 करोड़ लोग पकौड़ा बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? और हमारे जो भावी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जो होने वाले हैं विधानसभा चुनाव आगे है 20 के लास्ट में या 21 के प्रारंभ में होगा, उस समय उस चुनाव में हमारा जो विश्वास है, हमारी जो सोच है, हमारे लोगों को जो भरोसा है कि यही तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। और क्यों? एक आदमी कल हमसे पूछा कि बाबू केकरा वोट देबे, हमने एक ही उदाहरण दिया कि आप लोगों ने भेजा था तीन दल को, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और ये जदयू के नीतीश कुमार को। 20 महीना के बाद वह दिन था 26 जुलाई, ये भाग गए, छोड़ के भागे। कहाँ गए? उन्हीं के यहाँ, उन्हीं लोगों के यहाँ गए जिसके खिलाफ में हम लोग जिता के इनको भेजे थे। सवाल उठता है कि जनता मालिक होती है प्रजातंत्र में, जनादेश का आपने अपमान किया, हम लोग ने भेजे थे तो 20 महीना में क्या हो गया? आपने इस्तीफा दे दिया। भारत का इतिहास गवाह है कि 4 घंटा में दिल्ली और पटना सब एक होकर के आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, 4 घंटा लगा था। उस दिन हम कहलगांव में थे, नारद मंडल के घर में टीवी देख रहे थे। सवाल उठता है कि पहले से सोची समझी चाल थी। आपको याद होगा
कि जीएसटी के मामले पर हमारे नेता लालू प्रसाद यादव विरोध किए थे, यह नीतीश कुमार जो हैं मोदी जी का समर्थन किए थे, और अध्यक्ष का चुना हुआ था लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार महागठबंधन कहिए या हम लोगों की तरफ से उम्मीदवार थी तीनों दल से, लेकिन नीतीश कुमार जी विरोध कर दिए। याद होगा आपको, इन्होंने समर्थन नहीं दिया मीरा कुमार को, आपको याद होगा। तो हमारे कहने का यह मतलब है कि एक भी काम जो वादा किए मोदी जी खड़ा नहीं उतरे, झूठा वादा किए, न 6 दिन आए, न बेरोजगारी दूर किए, न जा कर के आरक्षण के बारे में भी हमको आपको कहना चाहते हैं, आरक्षण के लिए हमारा दल जो है नारा दिया कि आरक्षण बढ़ाओ और बेरोजगारी घटाओ। यह नारा आए थे 9 फरवरी को तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो नारा यही दिया था कि आरक्षण बढ़ाओ, और कैसे बढ़ाओ, हमारी जितनी हिस्सेदारी है उतना दो, जितना हम देश में हमारी हिस्सेदारी है, पिछड़ा अति पिछड़ा शोषित दलित अल्पसंख्यकों के हमारे उस हिस्सेदारी के हिसाब से हमको आरक्षण दीजिए। आपने जिनको आरक्षण दिया वहाँ हम विरोध करते हैं, हमारे नेता विरोध करते हैं, काहे आपने 8 लाख की सीमा निर्धारित किया, भाग दे के तो दीजिए, देखिए 66,666 रुपया एक व्यक्ति पर बैठता है। हमारे नेता ने पूछा, बांका की जनसभा में मौजूद थे हमारे प्रोफेसर साहब थे, श्याम बाबू थे, कि बताइए आप लोग 66,666 रुपया जिसको महीना में मिलेगा वह गरीब है? लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, तो आप तो आरक्षण देते हैं अमीरों का, उच्च जाति के लोगों को आरक्षण देने का मैं विरोध नहीं करता हूँ, हमारा दल भी विरोध नहीं करता है, लेकिन आप तो अमीरों को ना दे रहे हैं उसमें अमीरों को, गरीब के लिए आप क्या 5,000 रखते, गरीब लाभ, गरीबों को 10% आरक्षण मिलता। तो हमारा यह कहना है कि हम लोग महागठबंधन बनाए क्यों, आप यह पूछ सकते हैं, पूछ नहीं रहे हैं, महागठबंधन क्यों बनाए? लाई मोदी जी जिस तरह से देश को चला रहे हैं, जो उनका तौर तरीका है, क्रियाकलाप है, हम लोग तहे दिल से उनका विरोध करते हैं। और हम लोग महागठबंधन बनाए कि अगर महागठबंधन की सरकार दिल्ली में बनती है तो हम लोगों का नारा है हर हाथ को काम हर खेत को पानी, और हम लोग बेरोजगारी दूर करेंगे और जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देंगे, समझे ना। और ये जो आप ये कह रहे हैं कि जो दलितों का पिछड़ों का हित है उसकी सुरक्षा करेगी, बिल्कुल हमारी सरकार अगर बनती है, और आप देख लीजिए जनता किसके साथ है, तिवारी जी हमारे साथ जाकर के कांग्रेस के लोग हैं, अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका बाद में विचार होगा, हमारे साथ जीतन राम मांझी जी हैं जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोग हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे साथ विकासशील इंसान पार्टी के लोग हैं मुकेश सहनी जी, तो इतने लोग हम लोगों के साथ हैं और हमको पूर्ण विश्वास है कि तो आपको उम्मीद लगती है कि तेजस्वी यादव में वो कौशल है कि इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर चल सकते हैं? बिल्कुल कौशल है, और तेजस्वी यादव हमारी समझ से, प्रोफेसर साहब भी बोले हैं कि जो बोलने की क्षमता है, जो तरीका है, तेजस्वी यादव बोलने लगे जब बांका में तो जनता कहती थी और बोलिए प्रोफेसर साहब और बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है, और दिल जीत लिया। कहा क्या कि बाबूजी जब जेल में जाने लगे, कहा कि बेटा यदि ऊर्जा की कमी हो, कोई दिक्कत हो, तो मालिक के पास चल जाना, मालिक के बीच में जाना, जनता मालिक है। अब बताइए लालू जी अभी जेल में है, साजिश के शिकार हुए हैं, आप बताइए कि लालू यादव ही एगो घोटाला के, सृजन घोटाला का क्या होगा, 2,000 करोड़ का घोटाला है, नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, क्या मसरक थाना में इनके खिलाफ 302 का मुकदमा नहीं है? क्यों भागे जान बचाने के लिए कि हम भी पेड़ आ जाएंगे, हम भी जेल चल जाएंगे, सीबीआई के लोग धर लेंगे? क्या कारण है कि 7 बेटी 2 बेटा सारे लोग फंसे हुए हैं केस में, कोनो ईडी तो कोनो बीडी सब में फंसाया गया है,
क्या यही एक लालू यादव का परिवार मने पूरे देश में और लोग जो इतने बड़े बड़े धुरंधर हैं घोटालाबाज उनको नहीं सरकार पकड़ रही है उसमें मोदी जी का। तो आप ये मांग कर रहे हैं कि उनको भी सरकार को जो है तुरंत कार्रवाई उस पर करनी चाहिए। कार्रवाई करनी है सृजन घोटाला वाला में कहे नहीं, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ है कि नहीं आप जानते हैं तिवारी जी, उसको खाली बड़े जैसे ठाकुर दोषी है। उसमें मैं दावा करता हूँ कि बड़े बड़े लोग पॉलिटिशियन हैं, आप जांच तो कराइए, क्यों नहीं कराते हैं बताइए तिवारी। देश की स्थिति खराब है, खाली झगड़ा झंझट या ईंटा पूजो या मंदिर मतलब बना मुद्दों पे रहना चाहिए जो आज के। अरे भैया आपने कहा था अच्छा दिन ला देते, आपने बेरोजगारी दूर करने की बात कही थी, बेरोजगारी दूर कर देते, गरीबों को काम मिलता, गरीबी दूर करते, तो काम करना है क्या तो कर रहे हैं क्या। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतने सारे मुद्दों को उठाने के लिए। जिस तरीके से योगेंद्र यादव जी ने आज सरकार पे हमला बोला है और सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ जो है उन्होंने जमकर उन पे आरोप भी लगाए हैं, सरकारी तंत्र जो है पूरी तरीके से फेल हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात लास्ट में तिवारी जी मैं अपील करता हूँ जी, जितने भी हमारे भागलपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्तागण हैं वे तहे दिल से राष्ट्रीय जनता दल की प्रतिष्ठा, लालू यादव की प्रतिष्ठा एवं हाथ को मजबूत करने के लिए घर घर जाकर के क्षेत्र में जाके तहे दिल से काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर।